बैठ जाओ ना भैया भाई, थोड़ा अपना बैठ जाओ। हैदराबादी शॉर्ट फिल्म गैंगस्टर मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया। बतारीख 14 फरवरी को ये शॉर्ट फिल्म हैदराबादी छिछोरे यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी। इस शॉर्ट फिल्म में हीरो के तौर पर न्यू यंग एंड डायनामिक हीरो समद मोहम्मद खान, अयान मिर्जा और हीरोइन आयशा ने अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए। इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर समद मोहम्मद खान ही है। आज इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सुशांत सिंह एंकर व मॉडल और इमरान खान इम्मी और दिगर भी मौजूद थे। ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। आइए देखते हैं इस ट्रेलर लॉन्च के चंद मनाजिर एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। जी आज हमारी लॉन्चिंग है लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर, हमारी मूवी का टाइटल है। तो आज हम लोग 5 फरवरी 2022 को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारी मूवी में आपको एक तरीके का लव स्टोरी देखने को मिलेगा, फुल थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा बहुत सैडनेस भी है, अपने पास एक तरीके का मैसेज भी है। क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं पब्लिक को? क्या मैसेज पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग एक तरीके से पूरी फैमिली के साथ अपनी बैठ के मूवी देख ले सकते हैं। किस पे रिलीज होंगी आपकी मूवी? जी मेरी मूवी है हैदराबादी छिछोरे यूट्यूब चैनल है जी वहाँ पर ये मूवी रिलीज होंगी। लीड कैरेक्टर आयन मिर्जा है और इसमें हीरोइन का नाम आयशा है। क्या किरदार कौन हीरोइन हीरोइन का हीरोइन किरदार है जी? उन्होंने एक जो नहीं नहीं ये आयन मिर्जा की उन्होंने गर्लफ्रेंड रहेंगे जी। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी मैं हूँ, मेरे साथ एक टीम है। आप प्रोड्यूसर हैं? मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ मेरे साथ। कैसा आपको क्लिक हुआ ये मूवी, मतलब कैसा आप कौन कौन लिखे? मेरे को देखिए एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक दिमाग में एक गैंगस्टर तरीके के एक बनाना बोल के, अब देखा जा रहा आपकी हैदराबाद में अभी फिलोक के हिसाब से हैदराबाद में अपने गैंगस्टर्स का मसला बहुत चल रहा, तो अब लव स्टोरीज भी चल रहे हैं बहुत जनों के। कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं रह रही लव स्टोरी के लिए, तो लव स्टोरी हर एक जने की चल रही। तो एक लव स्टोरी ऑफ ए गैंगस्टर तरीके के टाइटल में कुछ सुधरा था, तो मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड बैठ के हम लोग टीम डिस्कस कर लिए थे। तो ऐसे स्क्रिप्ट कर ले कि आयन मेरे भाई के तरह है, तो हम लोग मिल के डिसाइड कर ले के फिर स्टार्ट करें। कितने दिन हुए आपके मूवी को? जी मेरे को ये टोटली 4 डेज कम्प्लीट हुए थे। प्लानिंग के लिए आपको कितना टाइम? प्लानिंग के लिए मेरे को एक नियरली 1.5 महीना कुछ लगा था।
शूटिंग इसकी शमशाबाद पे हुई, अपनी ओल्ड सिटी में हुई जी, हैदराबाद में हुई पूरी टोटली। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या होप है आपको इस फिल्म से? होपिंग तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है होपिंग तो जी। आगे बढ़ेंगे, नेवर गिव अप। ओवरऑल आपकी जो मूवी है, क्या बजट है उस मूवी का? मूवी का बजट छोड़ दीजिए, बजट के बाद में इंशाल्लाह, अभी आगे बहुत प्लानिंग चल रहे हैं। इस पे तमाम आपके काम में आपके तमाम फैमिली आपकी सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किसका रहा आपको? सपोर्ट तो मेरे को पूरे भाइयों का, फैमिली का भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आपके व्यूअर्स जो भी है जी, आप क्या कहना चाहिए, क्या? मेरे व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोग जाकर मूवी देखिए और जिस जिसको अपने क्या अपने एक अंदाज में देखिए, बस इतना ही। थैंक यू। तो मैं सुपर मॉडल हूँ जो हैदराबाद में जो भी फैशन फिल्म है, जो भी हैदराबाद में फैशन वॉक्स होते हैं, हैदराबाद में जो भी शोज होते हैं, सब करके हूँ। और मैं ब्रांड्स करके हूँ मैक्स के, इसके, और मैं ज़्यादा फैशन फिल्म में फिर एक्टिंग स्टार्ट करियर मेरा। ये आपकी जो फिल्म है आपको कैसे मिली, मतलब? देखो मेरा पहले एक प्रीवियस प्रोजेक्ट आया था, तो मैं समद का कॉल आया था, उन्होंने मैसेज करे थे मेरे को पहला इंस्टाग्राम पर क्या यार मैं आपसे मीटअप करना है, तो भाई मेरे से मीटअप करके मैं प्रोजेक्ट दिए थे, इनके तरफ से मिला है। तो कैसे लगी आपको स्टोरी, आप सुनते हैं? हाँ करें आपको? अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं स्टोरी देखता ना कि कैसा थी क्या है कुछ देखना, मैं एक एक्टर हूँ, अब कुछ भी तो मैं करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। फिर भी लोग सोचते रहे कि भाई मैं ये रोल में जमूंगा या नहीं, मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब एक्टर है ना तो कुछ भी कर सकता है, रोल्स देखता नहीं है। तो कैसा लगा आपको काम करके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दिखा, अच्छा दिखा। आपका फर्स्ट मूवी है, इससे पहले कुछ करे थे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आ रहा है मेरा, तेलुगु मूवी कर रहा हूँ मेरा, वो भी अपकमिंग आने वाला है। कितने साल से आप ये फील्ड में, जैसे कि मॉडलिंग कह रहे हैं आप? मॉडलिंग तो मैं 4 इयर्स से हूँ। अच्छा जी, यानी कि 4 इयर्स की एज से है या फिर 4 इयर्स से है? लाइक 2018 में स्टार्ट करा था मैं मॉडलिंग करियर, फिर जब से अब तक लाइक मॉडलिंग 2 इयर्स में, मॉडलिंग में बहुत जल्दी सक्सेस हो गया था, फिर मैं जैसा सक्सेस हुआ मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलना लग गए, 3 म्यूज़िक वीडियोज़ कर लिया मैं बॉलीवुड के, फिर इधर आ गया। अभी आपको क्या होप है आपको ये मूवी से? देखो होप तो है, क्योंकि जब मेहनत करें ना तो फल मिलता ही है, तो होप की बात है तो ऑब्वियसली हिट हो जाती है। आपके व्यूवर्स को, आपके चाहने वालों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं यही चाहता कि अच्छी दिखी या ना दिखी कुछ नहीं है, बस जो भी आप कॉन्सेप्ट देख के समझो, अगर एक बार समझ में भी नहीं है सेकेंड टाइम देख के समझ के, आप जो भी समझ में आ रहा है देख के बस सपोर्ट करो। आप हैदराबाद तकरीबन हैदराबादी में क्या ट्रोलिंग चलती, अगर जो भी है ये ट्रोल वो ट्रोल, एक्ट्रेस भी है तो एक्ट्रेस के ऊपर ट्रोलिंग, तो मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव माइंडसेट हटा देना है, जो मेहनत कर रहा है उसको बस अप्रिशिएट करना है उसके वर्क को, तो बस यही है, क्योंकि काम इतना आसानी से होता नहीं है जो भी काम है। आपके जो एक्टर्स है वो लोगों का आपके साथ काम कैसे दिखा? आयशा को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, आयशा मेरी फ्रेंड है 1 ईयर से, लाइक मॉडलिंग में मिले थे इन्हों भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा। आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ आपका कैसा तालमेल? मैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एज ए फ्रेंड, एज ए मेरे को इनवाइट करके मिले थे उनको, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं आज तक बुलाया नहीं। मैं बोला भाई तू मेरे छोटे भाई है, मैं भाई बनाया उनको, मैं कभी ये नहीं समझा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि इनका वर्क नहीं है मेरा वर्क है, मेरा वर्क समझ के मैं वर्क कर रहा हूँ। लाइक ऑलमोस्ट 3 डेज हो गया, अब बाहर भी हो गई शूटिंग, तो मेरे जितने भी थे मैं तो 3 डेज था, बाकी का इन लोगों को मानो कितना हुआ। एवरीवन आई एम आयशा आश, एंड हमारी ये मूवी है गैंगस्टर लव स्टोरी, एंड मैं ये मेरी पहली मूवी है, और इसमें मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, आयान की गर्लफ्रेंड हूँ, एंड ये मूवी ऐसी बनी है कि लाइक माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है, आई जस्ट लव इट। लाइक आयान से मिला, लाइक इन्होंने मुझे कॉल करे थे, ऐसी स्टोरी है और माशाल्लाह अच्छा है। आप पहले भी कुछ कर चुकी है फिल्म? नहीं, नो, दिस वन इज फर्स्ट, पहली है। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, कैसा रहा? अच्छा है, मस्त है, अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ आपको मतलब ज़्यादा मतलब काम करने में कौन सा ऐसा काम था जो आपको मुश्किल का था, वो जो आसान हो गया बात? लाइक एक्टिंग में ऑफकोर्स मेरा ये फर्स्ट मूवी है, सो मुझे डायलॉग्स में बहुत मुश्किल होती थी, बड़े बड़े डायलॉग्स एंड दैट ऑल, और ये आसान हो गया। ऐसा तो कौन सपोर्ट करे आपको इस चीज़? आयान मिर्ज़ा ऑफकोर्स। आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी कुछ है, नेक्स्ट रैप सॉन्ग है, उसमें करने वाली हूँ। आपके जो भी चाहने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? कि आप सब लोग देखो और लाइक जो कॉन्सेप्ट है उसे समझो, और
आपके अभी क्या होप्स हैं मूवी के बाद? ये मूवी के बाद ऑफ कोर्स मैं आगे बनना चाह रही हूँ एंड और इससे अच्छे अच्छे लाइक अच्छे अच्छे मूवीज मिलेंगे, होप्स है बस। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स सारी टीम को गैंगस्टर की, बहुत ही अच्छा। मतलब इसमें तो मुझे फर्स्ट थिंग ये दिखी कि आप लोग का टीम वर्क बहुत अच्छा लगा, जो आप लोग बहुत यंग है एंड कुछ चीज़ के लिए मेहनत करे तो बहुत अच्छा दिखा देखकर। एंड आप लोग की एज तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो उससे छोटे रहने से ही चीज़ों में था, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और गैंगस्टर बहुत ज़बरदस्त आप लोग टाइटल दिए उसको, और इसके साथ में गैंगस्टर का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है पहली बात तो, क्योंकि गैंगस्टर दिखना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, और इसके साथ साथ वो फील भी होना चाहिए। तो आपका ये जो ट्रेलर लॉन्च आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, इसकी स्टोरी तो अभी कुछ समझ भी नहीं आई, लेकिन इतना दिखा कि कुछ ना कुछ सस्पेंस है इसमें, वो हीरोइन को गोली कैसा पड़ी वो देखने के लिए तो देखना ही है। एंड इसके साथ साथ जो आपकी टीम थी, आपकी जो गैंगस्टर्स थे साथ के, दिखने में तो पक्का गैंगस्टर दिख रहे तो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ट्रेलर ये, और 14 फरवरी को रिलीज हो रहा है हैदराबादी सिचोरे, तो बिल्कुल मैं तो देखूंगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मुझे इनवाइट करे आप लोग, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अगेन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम ऑफ गैंगस्टर्स स्पेशली आयाम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग हैदराबाद, दिस इज ठाकुर सुशांत सिंह, होस्ट एंकर एंड अ मॉडल। आज यहाँ पे गैंगस्टर द लव स्टोरी ऑफ गैंगस्टर ट्रेलर लॉन्च हुआ है शॉर्ट मूवी का, जिसके डायरेक्टर है समद, जिसके एक्टर है अयान और आयशा। एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग आए हैं, और ये बहुत कम एज के लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने इतना एफर्ट्स डाला है इसमें, कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इवनिंग 7 o'clock और 14th के दिन, 14th of February, दैट इज़ वैलेंटाइंस डे, उस दिन इनकी ये मूवी रिलीज़ हो रही है हैदराबादी चिचोरे चैनल पे। तो आज शाम में 7 बजे इनका ट्रेलर ज़रूर देखिए, और इनकी मूवी को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, अगर कुछ आइडियाज़ और इम्प्रूवमेंट्स है तो वो भी कमेंट करिए। हमें ऐसे ही हमारी यंगर जनरेशन को सपोर्ट करना है, ऐसे ही हमें उन्हें आगे लेके जाना है। क्या उम्र के बच्चे हैं सर ये लोग? होंगे सर कुछ 20, 21, 18, 19 साल के बच्चे हैं, और जो डायरेक्टर है वो खुद अभी 18, 19 साल का ही है समद, तो बहुत लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं ये लोग हम लोगों को भी, कि अगर आप यंग एज में स्टार्ट करते हो तो उसका एक प्रॉफिट है कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का। सो जितने भी यंग लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी पैशन हो, डांसिंग हो, एंकरिंग हो, मूवी, शॉर्ट मूवी, एक्टिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो, स्टार्ट करिए, किसी के मोटिवेट करने का वेट मत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, सो दैट आपको भी एक मोटिवेशन आएगा कि आप भी कर सकते हैं, एंड आसपास आपके लोग हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी MC शशांत है, बस एक मैसेज कर दीजिए कि भैया हमारे को ये चीज़ में आगे बढ़ना है, हमें इस फील्ड में सपोर्ट करिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर।